बुद्धिजीवी लोग समझते हैं अपने आप को, वो अपने लीडर के साथ नहीं चलते हैं, उनका विरोध करते हैं। बहुजन समाज के जो विरोधी लोग हैं वो ये बात इसलिए कहते हैं ताकि बहुजन समाज के लोगों में भटकाव पैदा किया जा सके। जब तक बहन जी को लीडर नहीं माना जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हटाना मुश्किल है। अगर वो एजेंट होती तो अपनी सरकार चला के बीजेपी की सरकार को रोकती नहीं। जो मान्यवर साहब कहते थे, अगर हमको इनको समझना है तो सांपनाथ, नागनाथ और हरी घास के हरे सांप के रूप में हमें समझना चाहिए। जो समाज के साथ उन्होंने गद्दारी की है वो गद्दारी सबके सामने आ जाती है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो शुरू से जातिवादी रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो जातिवादी सोच के कारण ही उन्होंने बहुजन समाज की जो अध्यक्षा हैं वर्तमान में, उनके ऊपर गेस्ट हाउस कांड आप लोग जानते हैं, उनके ऊपर हमला कराया था। ये उनकी केवल जातिवादी मानसिकता की एक उनकी जातिवादी मानसिकता ही है। मान लेना उन लोगों ने, नहीं आप को मान रहे हैं, वो मान्यवर काशीराम को मान रहे हैं। देखिए वो मान नहीं रहे हैं, ये गुमराह करने का एक एजेंडा है कि कैसे दलित समाज को, कैसे शेड्यूल कास्ट को, कैसे माइनॉरिटीज़ को हम गुमराह करें, ताकि जो शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी ओबीसी का जो स्वाभाविक गठबंधन है वो बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के रूप में है, कैसे उससे लोगों को दिग्भ्रमित किया गया जाए। वो तो कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ, और क्या चाहिए बताओ। ये उनके ये बात उनको कब समझ में आई कि वो शूद्र हैं? क्या वो पैदाइशी अपने को कभी शूद्र माने? क्या अब तो मान रहे हैं ना, देखिए अब मान क्यों रहे हैं? अब मान, सवाल तो ये है ना कि अब क्यों मान रहे हैं? ये तो पैदा, ये व्यवस्था तो पैदा होने के साथ सबको जातियों में बांट देती है। अब तक तो उनको शूद्र समझ में नहीं आता था, अब वो शूद्र इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट जो सामाजिक आंदोलन चला रहा है उसके बीच में अपनी घुसपैठ बनाए, ताकि उनको क्या मिसगाइड किया जाए, उनको दिग्भ्रमित करके उनका वोट हासिल किया जाए। संसद तो दूसरों को तो आना पड़ेगा ना। देखिए देखिए ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारे समाज की, कि हमारे समाज के जो खास करके जो बुद्धिजीवी लोग समझते हैं अपने आप को, वो अपने लीडर के साथ नहीं चलते हैं, उनका विरोध करते हैं। अगर हम ये विरोध करना छोड़ दें और बाबा साहब की बात को मान लें कि बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया 1948 में लखनऊ में, कि ऑर्गेनाइज अंडर वन लीडर, वन पार्टी एंड वन प्रोग्राम, अगर हम अपने एक लीडर पे विश्वास करें, जो हम लोग हर सम्मेलन में बाबा साहब का जो बताया हुआ स्लोगन है एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसके अलावा बाबा साहब ने दो और बात कही है जो हम लोग नहीं कहते हैं। वो पांच बातें कही हैं। क्या? एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, हैव फेथ एंड हैव पेशेंस। हम लोगों के पास ना अपने जो लीडर हैं उनके ऊपर ना हमें विश्वास है और ना हमें हमारे अंदर पेशेंस है कि वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें वेट करना है। बहुजनों को साथ लेकर चल रहा तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुजनों को अगर साथ लेकर चल रहा है तो बहुजनों को डिवाइड करने की पॉलिसी ना करे। बहुजनों को साथ लेके चलने का मतलब है बहुजनों को यूनाइट करना, एकत्रित करना, और एकत्रित करने के लिए बहुजन समाज आंदोलन जिसकी स्वाभाविक परिणति बहुजन समाज पार्टी है। अगर आप बहुजनों को एकत्रित करना चाह रहे हैं तो बहुजनों का जो आज राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जो उस पर आप एकत्रित करिए। अगर आपका मकसद एकत्रित करना है, बहुजनों को मजबूत करना है, तो सिर्फ अपने हाथ ही नहीं गणेश है। कौन कह रहा है? बहुजन समाज पार्टी वाले हाथ ही नहीं गणेश है, ऐसा कभी नहीं कहा है। बहुजन समाज के जो विरोधी लोग हैं वो ये बात इसलिए कहते हैं ताकि बहुजन समाज के लोगों में भटकाव पैदा किया जा सके। इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि क्या हाथी गणेश बन सकता है? क्या बाबा साहब की विचार, क्या ये जो मानवतावादी विचार है क्या वो दानवतावादी विचार बन सकता है? जो विचार है उसको आगे कैसे हमें बढ़ाना है, तो वो उसकी एक स्वाभाविक परिणति है कि हम लोगों ने जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय बनिए हैं, हमने उनको तरजीह दी है कि वो लोग भी इस मानवतावादी मिशन में अपना योगदान दे सकें। तो ये हाथी और गणेश नाम का कोई शख्स नहीं है, ये एक खत्म हो रही है ना, क्या है ऑप्शन? देखिए पार्टी कल तक आप जिसको ख़त्म कह रहे हैं, ये हो सकता है अगले इलेक्शन में, आपको पता है कि थर्ड फ्रंट के लोग बहुत छटपटा रहे हैं कि थर्ड फ्रंट में नेता कौन हो। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को कैसे सत्ता में हटाएं,
लेकिन सबको पता है कि जब तक बहन जी को लीडर नहीं माना जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हटाना मुश्किल है। लेकिन सर, वो तो बीजेपी की एजेंट है बहन जी तो। ऐसा है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अगर वो एजेंट होती तो पंडित अटल बिहारी की सरकार एक वोट से नहीं गिराती। अगर वो एजेंट होती तो जो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है उनमें वो बीजेपी की सरकार चलाने के लिए भी सहयोग करती। अगर वो एजेंट होती तो अपनी सरकार चला के बीजेपी की सरकार को रोकती नहीं। कह रहे हैं मोदी को अगर रोक सकता तो राहुल गांधी रोक सकता, और कोई नहीं। ये एक मनुवादी स्लोगन है, मनुवादी एजेंडा है। इसका सिर्फ लक्ष्य ये है कि जो माइनॉरिटी हैं, जो खास करके मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको बहुजन समाज बनने से, उनका जो योगदान है बहुजन समाज में होना चाहिए उसे रोका जाए। इसलिए ये लोग, ये सारा प्रोपेगेंडा जो है, जो मान्यवर साहब कहते थे अगर हमको इनको समझना है तो सांपनाथ, नागनाथ और हरी घास के हरे सांप के रूप में हमें समझना चाहिए। और आप एक जवाब और दे देता हूँ कि आज ये लोग जो एजेंडा चला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि संविधान में खतरा क्या है। कौन सी आर्टिकल पे ये लोग कुटाराघात करना चाहते हैं या कौन सा आर्टिकल बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मनुवादियों को संविधान से खतरा नहीं है। मनुवादियों को खतरा संविधान में बाबा साहब का जो नाम जुड़ा है उससे है। जैसे जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अब्राहम लिंकन का कोटेशन जरूर याद करते हैं, वैसे ही जब भारतीय संविधान की बात होती है तो बाबा साहब का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बाबा साहब के बारे में भी लोग उनको याद करते हैं। और जब बाबा साहब को याद करते हैं तो इस देश का जो वास्तविक इतिहास है, जो बाबा साहब ने लिखा है, वो इतिहास लोगों के सामने आता है। तो ब्राह्मणवादी जो चोरी किए हैं इतिहास के साथ, जो समाज के साथ उन्होंने गद्दारी की है, वो गद्दारी सबके सामने आ जाती है। बड़े चिंतित हैं दलितों को लेकर मोहन भागवत। भाई उनका चिंतित होना स्वाभाविक है क्योंकि लोकतंत्र में वो अल्पसंख्यक हैं, और जो इस देश की संपत्ति है जो उन लोगों ने अब तक अपने कंट्रोल में रखी है, जो जिसके वो मालिक है, डेमोक्रेसी में वो छीनी जा सकती है क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं अगर शासन सत्ता में हुकूमत करेंगे तो वो अपना हिस्सा तो जरूर लेंगे। तो इसलिए उनको, वो जानते हैं कि वो माइनॉरिटी में है, अगर वो चिंता नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा देर तक उनका जो साम्राज्य है वो बचना नहीं है। पंडितों ने बनाई है भाई, उसमें कौन आपसे भेद कर रहा है कि नहीं चमारों ने बनाई है, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है कि जाति किसने बनाई है। अब तक उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया इस बात को भाई, उनके एक्सेप्ट ये केवल मुँह से एक्सेप्ट करना नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट करना है तो ज़मीनों पर जिनकी ज़मीनें छीनी है उनको वापस करें, जिनकी नौकरियां छीनी है उनकी नौकरियां वापस करें, जिनको व्यापार से वंचित किया है उनको वापस करें। ये क्यों कहने का मुद्दा नहीं है, ये करने का मुद्दा है। कह तो रहे जाति मुक्त भारत बनाना है, देखिए वो भाई जाति का संगठन से चला के जातिवादी विचारधारा का प्रसार करके क्या जाति मुक्त भारत बनाने का सपना साकार किया जा सकता है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि दलितों को घोड़ी चढ़ने दें, उनको मंदिर में जलाभिषेक करने दें, 100 साल का हो जाएगा संघ 2025 में, तो 100 साल बाद उनको ऐसे बयान याद आ रही है। देखिए ये जो मान्यवर साहब कांसीराम और माननीय बहन जी ने जो आंदोलन चलाया जिसके कारण आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के लोग, आपको पता है कि पार्टी कोई भी हो आज नारा लगाती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, क्यों लगाती है? क्या ये बात उनको पहले नहीं पता थी? लेकिन जब मान्यवर साहब के आंदोलन के कारण अब लोग अपना हक हकूक मांगने लगे हैं, अब उनकी ये मजबूरी हो गई है कि आप जो बात कह रहे हैं उनको वो अफर्म करें, अपनी गलतियों को एडमिट करें ताकि लोगों के दिलों में क्या है, कौन है, मायावती है या बामिन मेसराम है, अखिलेश यादव? देखिए अगर लीडर की बात होगी तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ सिद्धांत भी बताए हैं, उसका सिद्धांत वो अगर हम सिद्धांत को समझ लें तो हमें हर समय ये बात पता चल जाएगी कि वास्तविक लीडर कौन है। कौन है आपकी नज़र में इस समय? तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है और जिसको मान्यवर साहब कांसीराम ने स्थापित किया है लोगों के सामने, वो माननीय बहन जी ही बहुजनों की एकमात्र निर्विवाद लीडर हैं। बहन जी कहाँ लड़ रही हैं बहुजनों? बहन जी लड़ रही हैं, अब सवाल है ये लाठी लेके लड़ने वाला समय है नहीं, ये विचारों की लड़ाई है और विचार जो है आपको सड़कों पर आके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुजन समाज के लोग इस देश में बहुजन हैं, लेकिन चूंकि विचारों के रूप में वो बहुजन नहीं है, विचारों के आधार पे वो अल्पजन बन जाते हैं, तो इसलिए जो उनकी लड़ाई है, आप नहीं है सड़क पे, आप आएंगे नहीं तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि ये जो बात है ना सड़क पे आने वाली, ये एक जो विरोधियों का एजेंडा है,
उसका हम लोग शिकार हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि सड़क पे आने से अधिकार मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अधिकार अगर आपको लेना है तो आपके जो वोट है, जिसको बाबा साहब ने लड़ के आपको दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? जब आपके पास राष्ट्रीय संगठन है, उस राष्ट्रीय संगठन के बैनर तले आपको करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ, जितना भी आपके खिलाफ कानून बन रहे हैं, आपको सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोगों के घर में जाइए और उनको बताइए कि आपके गलत वोट देने के कारण ही आपके खिलाफ कानून बन रहे हैं। अगर आप अपने समाज, बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी को अगर आप अपना वोट देते हैं, तो ये सारे कानून भी आपके खिलाफ। तो हिंदू बने बैठे हैं, तो कहाँ वोट देंगे आप, समझ जाइए। देखिए, हिंदू होना, मुस्लिम होना, ये लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी है। लेकिन जो राजनीतिक स्तर पे वो एक हो सकते हैं, वो उनकी हम जो उनकी जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसको हम ज़्यादा तवज्जो ना देके, हम अगर उनकी जो चेतना है, राजनीतिक चेतना है, सामाजिक चेतना है, उस पर अगर हम तवज्जो दें तो हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं।